आज जो हमारी फिक्र आपकी में पहली खबर है, 24 घंटे बाद 2024 की असली पिक्चर। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा होने वाला है, किसके पाले में कितने। फिक्र आपकी में शुरुआत राजनीति की उस खबर से जो 24 घंटे के अंदर तय कर देगी कि 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन कौन होगा। क्या आंकड़ों की जुगत में मैथ्स की बात करने वाले विपक्ष में आपसी केमिस्ट्री बन पाएगी। 9 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जुलाई महीने की 18 तारीख बहुत अहम हो गई है, क्योंकि 18 जुलाई यानी कल दो बड़ी बैठक होने वाली है। पहली बैठक 26 विपक्षी दलों की, दूसरी बैठक एनडीए की 38 दलों की। 26 वर्सेस 38, विपक्ष हो या एनडीए, दोनों तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का जमावड़ा बेंगलुरु में लग चुका है। एनडीए में शामिल दल कल ही दिल्ली में मंथन करेंगे। संयुक्त विपक्ष का एजेंडा मोदी सरकार को हराना है, तो एनडीए का लक्ष्य लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाना है। इसीलिए दोनों तरफ से दोस्तों को बढ़ाने की कोशिश हो रही। विपक्षी खेमे की बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी, लेकिन आज सुबह से ही बेंगलुरु में हलचल शुरू हो गई है। पटना के बाद बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की दूसरी बड़ी मीटिंग में मेजबानी कांग्रेस कर रही है, इसीलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बेंगलुरु में पहले से मौजूद हैं। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। विपक्षी दलों की बैठक के लिए बेंगलुरु में बड़ी तैयारी की गई है। पूरे शहर में विपक्षी दलों के नेताओं के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। शहर में लगाए गए विशाल बैनरों में 26 पार्टियों के 28 नेताओं की तस्वीरें दिख रही, जिनमें विपक्षी एकजुटता दर्शाने वाले स्लोगन लिखे हैं। संयुक्त विपक्ष के महामंथन से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज 26 दलों के नेताओं को बेंगलुरु में डिनर पर इन्वाइट किया। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड के बैनर चले यह डिनर हुआ होटल ताज वेस्ट एंड में, और इस डिनर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे। इससे पहले डिनर मीटिंग में आपसी तालमेल की बात हुई। कल की मीटिंग में तय होगा कि तालमेल का आधार क्या होगा। विपक्ष का मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है? ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते हैं? इसके ऊपर चर्चा हो। मैं सुन रहा हूँ कर्नाटक से राहुल गांधी को लाओ, इसकी आवाज आ रही है। नीतीश बाबू आपका क्या हाल है? अखिलेश बाबू, ममता दीदी, केजरीवाल जी, ऑल पीएम इन वेटिंग। ये देश देवेगौड़ा गुजरात से बहुत आगे निकल गया। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है। अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है। आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है, और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं, एक भी ऐसे दल को उन्हें एनडीए में नहीं बुलाना चाहिए जिसको वो परिवारवादी मानते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले तो इसी पर हमला बोल रहे थे अपने रीजनल पार्टीज पर। चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी, क्योंकि जो लोग हैं उनके सपने जो हैं वो एक हैं, लेकिन मुंगेरी अनेक हैं। इसमें ख्वाहिशें एक हैं और खानदान अनेक हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वी आर ऑल यूनाइटेड बाई अ कॉमन पर्पस। दे आर मिसयूजिंग एंटायर एजेंसीज लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन।